बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। मैं हूँ सदफ़ शाकिर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डेथ बाय चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले हम इसमें 2 अंडे डालेंगे। हाफ कप हम इसमें ऑयल का डालेंगे। हाफ कप इसमें मैं मिल्क का ऐड कर रही हूँ। वन टीस्पून इसमें सिरके का ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने पानी लिया है, इसमें मैं 1 टीस्पून कॉफ़ी का ऐड कर रही हूँ। इस पानी को मैंने नीम गर्म किया है ताकि इसमें कॉफ़ी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। अब ये मटेरियल भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हमने बीट करना है। इसमें हम 1 कप और 1/4 कप पाउडर शुगर का ऐड कर रहे हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हम बीट करेंगे। अभी थोड़ा सा इसमें हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे। अच्छा सा हमने इसको बीट कर लिया है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। 1/2 कप इसमें कोको पाउडर का ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें सोडे का ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। 1 कप हम इसमें मैदा ऐड कर रहे हैं। 1/4 कप इसमें और ऐड करेंगे हम। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम हैंड व्हिस्क की मदद से इसको जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आपस में सारे इंग्रेडिएंट्स को, और एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है, इसमें हम ज़रा सा पानी ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देख रहे हैं अब आपकी बैटर काफ़ी स्मूथ होता जा रहा है। यहाँ पे बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे। केक हमारा बेक हो गया है, इसको भी हम निकाल लेंगे इससे। बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी केक बन के तैयार हुए। अभी हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। यहाँ पे हम गेनेश तैयार करने लगे हैं। डार्क चॉकलेट ली है मैंने, इसमें मैं व्हिपिंग क्रीम थोड़ी सी ऐड करूँगी। इसमें मैंने व्हिपिंग क्रीम ऐड की है। अब हम इसको मेल्ट होने के लिए माइक्रोवेव में रखेंगे। इसको हम 10-20 सेकेंड्स और लगाएंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। सबसे पहले हम इस केक को लेयर्स में कट करेंगे। यहाँ पे मैंने केक को 3 लेयर्स में कर लिया है। एक ये लेयर है, एक ये है और एक ये है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम शुगर सिरप से सोक करेंगे। इसके ऊपर हम गणेश अप्लाई करेंगे। क्योंकि ये डेथ बाय चॉकलेट केक है तो इसमें हम क्रीम अप्लाई नहीं करेंगे, इसमें जस्ट गणेश यूज़ होगी। इसके ऊपर गणेश के ऊपर मैं चॉकलेट चिप्स ऐड करने लगी हूँ।
यहाँ पे मैंने चॉकलेट को क्रश करके रखा हुआ है, ये हम केक के ऊपर अप्लाई करेंगे। चॉकलेट चिप्स के ऊपर हम डालेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त चॉकलेट ही टच आएगा केक में। अब मैं इसके ऊपर दूसरी लेयर डाल रही हूँ केक की, इसको हम शुगर सिरप से सोक करेंगे। दोबारा से हम वही रिपीट करेंगे, गणेश को डालेंगे इसके ऊपर। अब हम दोबारा से इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे हर फ्लेवर में, हर बाइट में हमारे मुँह में चॉकलेट्स आएंगे। ये हमारी दूसरी लेयर भी रेडी हो गई है, अब हम इसके ऊपर तीसरी लेयर रखेंगे केक की। ये इसके ऊपर तीसरी लेयर आ गई केक की, इसके साथ भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे, शुगर सिरप से इसको हम सोक करेंगे। यहाँ पे थर्ड लेयर पे भी हम सेम प्रोसीजर इस तरह से करेंगे। इसको हम इस तरह से फैला देंगे। अभी हम इसके ऊपर थोड़ी सी गणेश और अप्लाई करेंगे क्योंकि कम लग। इसको हमने गणेश से कवर कर दिया है, पूरे केक को साइड से भी कर दिया और ऊपर से भी कर दिया। अब हम इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स ऐड कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं चॉकलेट क्रश करके डाल रही हूँ, पूरे केक को हम कवर कर देंगे इस तरह से। इसको हमने पूरे केक को ऊपर से चॉकलेट चिप्स और चॉकलेट से कवर कर दिए, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। अब इसके साइड्स में हम चॉकलेट चिप्स लगाएंगे। ये मैं आपको सारा कवर करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारा ज़बरदस्त केक बन के रेडी है। साइड से भी इसको सारा मैंने चॉकलेट चिप से कवर कर दिए, बहुत ही ज़बरदस्त केक बन के रेडी है डेथ बाय चॉकलेट केक। आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।